नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। इस वक्त मौजूद पटना जंक्शन के समीप लगातार जो बारिश है वो होती जा रही है। पटना का जो हाल है मौसम का वो बिगड़ता जा रहा है। कभी धूप रहती है तो कभी बारिश होती रहती है, और अब इस वक्त यहाँ पर बारिश हो रही है पटना जंक्शन पर, जो कि पिछले अगर देखा जाए तो पूरे दिन भर में ऐसा मौसम नहीं था, लेकिन हर बार की तरह यहाँ पर बारिश होनी शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि अचानक से जब बारिश होती है, अचानक से जब मौसम का हाल बिगड़ता है तो कैसा हो जाता है लोगों का, क्योंकि लोग पहले से तैयार नहीं रहते हैं, पहले से खुद को उस बेसिस पर तैयार नहीं करते हैं कि आखिर किया क्या जाए, छाता लेकर निकले या फिर रेनकोट लेकर निकले या फिर कुछ ऐसी सुविधा लेकर निकले जिससे कि हम बारिश से बच सके। अचानक से जब बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं कि मजबूरी में किसी ने तो सर पर अपने पन्नी रखे हुए हैं, जो क्लोथिन रखे हुए हैं, या फिर वो देखिए वो गमछे से भी अपने आप को कवर किया जा रहा है। लगातार बारिश एकदम तेज़ होती जा रही है। जिनको पहले से पता था कि मौसम रोज़ ऐसा अपना रुख बदल रहा है, तो उन्होंने छाता का प्रबंध अपने पास से किया हुआ था। आप देख सकते हैं किसी ने तो यहाँ पर अपने झोले से ही अपने आप को कवर किया हुआ है ताकि वो पूरी तरह से गीले ना हो सके और खुद को अपने सुरक्षित कर सके बारिश से। आप देख सकते हैं लगातार जो बारिश यहाँ पर हो रही है उससे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भाग दौड़ का माहौल हो चुका है लोगों के बीच में, और बारिश और बढ़ती ही जा रही है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। उस बीच हम आपको लगातार खबर दिखा रहे हैं कि देखिए कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है लोगों को यहाँ पर, जो कि रेगुलर यहाँ पर पटना पे आते जाते रहते हैं। BPSC का जहाँ तक परीक्षा भी हुआ था, जो लोग परीक्षा देने भी आए थे उन लोगों को के लिए, उन छात्रों के लिए भी बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है कि अचानक से बारिश हो जा रही है और इस बारिश से उन्हें बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। लगातार आप देख सकते हैं कि पटना जंक्शन के हम भी भीग ही रहे हैं, उसके बावजूद हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि कितनी तेज़ी से बारिश हो रही है, और आप देख सकते हैं कि बैग से भी अपने आप को ढका जा रहा है, और बैग जो भी इंसान को मिल रहा है उस चीज़ से वो अपने आप को कवर कर रहे हैं और बारिश से खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, खुद को सुरक्षित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जिनको पहले से पता था वो रेनकोट और छाते के प्रबंध पहले से उन्होंने कर रखा था। बारिश और तेज़ होती जा रही है लगातार, लेकिन बिहार का मौसम कुछ ऐसा है और 26 तारीख तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है। ऐसा मानना भी है कि लगातार बारिश आती रहेगी, कभी भी आ सकती है। इसका कोई ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि 1 बजे आएगी, 2 बजे आएगी, या फिर कभी भी आ सकती है बारिश, या शाम हो रात, रात को तो आती ही है। और इस वक्त बारिश आ रही है, अभी इस वक्त मौसम वैसा नहीं था बारिश का, लेकिन अचानक से बारिश, आप देख सकते हैं और तेज़ बारिश हो रही है और हाल बहुत ख़राब हो चुका है यहाँ पर। लोगों से आपको बातचीत भी करवाते हैं, मगर लोग यहाँ पर खुद को बचाना सबसे पहला काम समझ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितनी तेज़ यहाँ पर बारिश और ज़्यादा तेज़ हो रही है, तो हम भी अपने वाणी को विराम देना चाहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको हमने दिखा दिया कि जब अचानक से बारिश होती है तो लोगों का हाल कैसा होता है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, खुद को बचा रहे हैं। बाकी ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एक न्यूज 24। मैं नंदन, कैमरामैन पिंटू के साथ, धन्यवाद।